नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडियन न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आज के स्पोर्ट्स की तमाम जानकारी। दोस्तों आपको बता दें कि WTC फाइनल में भारत हार, आपको बता दें कि भारत के हारने के बाद कहीं सारे सवाल उठ चुके हैं भारत की टीम के ऊपर। आपको बता दें कि भारत की हार के 5 गुनहगार फाइनल में सबसे ज्यादा फेल हो चुके हैं। दोस्तों आखिरकार क्या है भारत की हार की ये कहानी, आपको बता दें कि साउथैम्पटन के मैदान में टीम इंडिया की पिछले 2 सालों की मेहनत बेकार हो गई। वनडे टेस्ट चैंपियन के फाइनल में भारतीय टीम को हार का मुंह देखना पड़ा है। न्यूजीलैंड ने खिताबी मुकाबले में 8 विकेट से हरा दिया है। भारतीय टीम ने पिछले 2 सालों से शानदार प्रदर्शन कर अंक तालिका में नंबर स्थान हासिल किया और वो फाइनल जीतने की बड़ी दावेदार भी थी, लेकिन हमेशा की तरह अंतिम मौके पर उसके दिग्गज खिलाड़ियों ने निराश किया। आइए आपको बता दें कि टीम इंडिया की हार के 5 गुनहगार। दोस्तों उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। दोस्तों ऐसे में हम स्पोर्ट्स से संबंधित कोई भी जानकारी डालते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो को बात कर पाओगे। दोस्तों जानते हैं आखिरकार 5 खिलाड़ियों के बारे में 5 बातें क्या है वो। कप्तान विराट कोहली टीम इंडिया की हार का पहला गुनहगार कहा जा रहा है। कहा जाए तो गलत नहीं होगा, विराट कोहली ने फ्लाइंग 11 के सिलेक्शन और बल्लेबाजी में गलतियां कर भारत को जीत से दूर किया दिया। साउथैम्पटन के हर पिच पर कोहली ने 2 स्पिनर उतारे, जडेजा और अश्विन की जगह टीम इंडिया मोहम्मद सिराज या एक अतिरिक्त बल्लेबाज को मौका दे सकती थी, लेकिन विराट अपनी रणनीति पर कायम रहे। इसके बाद बतौर बल्लेबाज भी विराट कोहली फ्लॉप साबित हुए। पहली पारी में विराट ने 44 रन बनाकर, लेकिन उसकी बल्लेबाजी में वो बात नजर नहीं आई। उन्होंने कई बार जेमिसन ने परेशान किया और उन्होंने ही कोहली को आउट किया। दूसरी पारी में भी जेमिसन ने विराट कोहली को चटकाया। इस पारी में विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन दूसरी पारी में विराट मैच 13 रन पर निपट गए। वही दोस्तों दूसरे शख्स की बात की जाए तो रोहित शर्मा ने वनडे टेस्ट चैंपियनशिप में टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन खिताबी मुकाबले में रोहित अच्छी शुरुआत के बावजूद भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। रोहित शर्मा ने पहली पारी में 34 रन और दूसरी पारी में 30 रन बनाए। मुश्किल वक्त पर उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन जब वो क्रीज पर सेट हो गए थे इसके बावजूद उन्होंने अपना विकेट गवा दिया। नतीजा भारत की हार झेलनी पड़ी। चेतेश्वर पुजारा ने वनडे टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ही नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट में ही निराशा किया। फाइनल की बात करें तो पुजारा पहली पारी में 8 और दूसरी पारी में 15 रन बनाकर आउट हुए। पुजारा कभी भी क्रीज पर जमे हुए नजर नहीं आए। नतीजा उनके साथ खेल रहे बल्लेबाजों पर दबाव बना। इसके अलावा उन्होंने न्यूजीलैंड के अनुभव बल्लेबाज रॉक्स टेलर का भी कैच टपकाया अहम मौके पर। इस कैच का छूटना टीम इंडिया के खिलाफ गया। बता दें पुजारा ने पूरे टूर्नामेंट में 18 टेस्ट मैचों में से महज 28.3 के औसत से 881 रन बनाए। वहीं दोस्तों चौथे शख्स के बारे में बात की जाए तो ऋषभ पंत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन फाइनल में उनकी वह कमी उभर आई जिसमें के लिए अक्सर उनकी आलोचना की जाती है। पंत ने फाइनल की दोनों पारियों में अपना विकेट बेहद ही खराब चोट खेलकर गंवा दिया। पहली पारी में उन्होंने जेम्स की 5 टेप की गेंद को जड़ा, जिसकी वजह से वो स्लिपर आउट हुए। वहीं दूसरी पारी में भी पंत ने 41 रन बनाए और एक बार फिर से वो बेहद खराब स्ट्रोक खेलकर गलत समय पर आउट हो गए। पंत के आउट होते ही भारत का लॉर ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया था। वहीं दोस्तों लास्ट इन फाइनल 5वें शख्स के बारे में बात की जाए तो वो है जसप्रीत बुमराह, जो कि देश में फास्ट बॉलर की गिनती में 11वें नंबर पे हैं और इंडिया के नंबर 1 बॉलर माने जाते हैं। जसप्रीत बुमराह को भारत के सबसे बड़ा ट्राई गेंदबाज माना जाता है, लेकिन दाएं हाथ का ये बल्लेबाज वनडे टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। बुमराह फाइनल में 1 भी विकेट नहीं ले पाए। बुमराह फाइनल में सही लाइन गेंद हासिल नहीं करके, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को क्रीज पर सेट होने का मौका मिल गया। और यहाँ पे दोस्तों नतीजा देखा जाए तो वो सेम टू सेम जो सबके लिए है, वो है टीम की हार का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों न्यूजीलैंड तो 44 साल की सबसे बड़ी ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है, पर इंडिया लगातार 5वीं बार अपनी हार का एक नाम बना चुकी है और इसमें से 3 तो विराट कोहली की कप्तानी में हो चुके हैं। दोस्तों गलत ना कहेंगे, इंडिया ने पहले बार भी कई सारे टूर्नामेंट जीते हैं और कई सारी ट्रॉफियां इंडिया को दिलाई है, पर दोस्तों ऐसी हार को लेकर अभी तक इंडिया में इस चीजों को लेकर अभी तक सुधार नहीं आया है। दोस्तों शर्मनाक बात यह है कि इंडिया को इस चीजों में सुधार करना चाहिए और बहुत जल्दी करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हर बार हम फाइनल में जाते हैं और हार जाते हैं। फिर भी दोस्तों इंडिया टीम को बुरा ना कहें, क्योंकि इंडिया टीम अपने लिए बहुत मेहनत करती है और बहुत सारे भी अवार्ड लाती है। दोस्तों अगले वक्त हम जरूर जीतेंगे और अगले टाइम कोशिश करेंगे तो इंडिया टीम अगली बार और अच्छा प्रदर्शन करेगी और सबसे बड़ी ट्रॉफी अपने नाम। दोस्तों ऐसे तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल द इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले और हमारे साथ जुड़े रहे ताकि आपको स्पोर्ट्स की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। वीडियो चल कर तो वीडियो को लाइक।